आपके काम हमेशा होते होते लास्ट मिनट में कैंसिल हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। आपकी शादी ऑलमोस्ट हो गई थी, किसी रिश्तेदार ने टांग अड़ा दी, किसी रिश्तेदार ने अपना मुंह खोल दिया, गलत जगह पे गलत बात बोल दी और आपकी शादी कैंसिल हो गई, जॉब मिलते मिलते रह गया, या फिर बिजनेस में कोई डील होते होते हमेशा कैंसिल हो जाती है, जिस दिन पेमेंट लेना होता है उसी दिन मीटिंग में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। इसी तरह किसी न किसी कारण से आपके सारे काम लास्ट स्टेप में आके आखिरी वक्त में पलट जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, रेजिस्टेंस उसके अंदर आ जाता है और आपको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें जो है सैक्रिफाइसेस करते हुए आगे जाना पड़ता है या तो उस चीज़ को छोड़ देना पड़ता है। आप कई बार जेमस्टोन पहन लेते हैं उपाय करने के लिए और वो पहनने के बाद आपके लाइफ में एक के बाद एक संकट और बाधा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देर आर सम हाउसेज एंड सम प्लैनेट्स जो कि आपको समझ में नहीं आता कि ये बुरे हैं, बिकॉज वो ऑस्पिशियस प्लैनेट माने जाते हैं और इसके चलते आप उसकी रेमेडी कर लेते हैं, आप उनके नग पहन लेते हैं, लेकिन फिर उनके पहनने से आपको बाधा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि ये कौन से घर और प्लैनेट्स हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं आपके लाइफ में और उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, आखिर तक देखिए, स्टे ट्यून्ड। तो मेरा जो पिछला वीडियो था इट वाज अबाउट मारक हाउसेस। तो मारक हाउसेस अगर आपने नहीं दिखा है तो पिछला वीडियो जाके देख लेना, मैं उस वीडियो की लिंक यहाँ पे डाल दूंगा या वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी देखना। अभी मैं उसको समराइज कर देता हूँ। मारक हाउसेस होते हैं सभी के लिए कॉमन, वो होते हैं आपके हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 7। तो हाउस नंबर 2 और 7 जो है नॉर्मली शादी, पार्टनरशिप, पैसा, सेविंग, इनहेरिटेंस, फैमिली, इससे कनेक्टेड होता है, लेकिन ये आपका मारक हाउस भी होता है। तो उसका जो लॉर्ड होता है सेकंड हाउस या सेवंथ हाउस का और वहाँ पे बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं ये आपके लिए मारक होते हैं, यानी कि ये आपको पैसा दे सकते हैं, शादी दे सकते हैं, बच्चा दे सकते हैं, आपको बाकी सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी सेहत को ज़रूर ख़राब करते हैं और सेहत को ऐसा ख़राब करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास या अस्पताल में भर्ती थोड़े दिन के लिए सही, एक दिन के लिए सही होना पड़ता है और इसके वजह से आपका काफ़ी खर्चा भी होता है एंड लीगल मैटर्स में अगर आप फंसते हैं तो हो सकता है कि एक आध बार इम्प्रिजनमेंट का योग भी बने या कम से कम पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ जाए। तो ऐसे आपके कुछ योग बनते हैं व्हेन हाउसेज नंबर 2 एंड 7 यानी कि मारक हाउसेज आपके लिए दशा में आ जाते हैं उसके लॉर्ड्स या वहाँ बैठे हुए प्लैनेट्स। तो ये आपको समझना है, बाकी टाइम ये प्लैनेट बाकी सारे फल अपने अच्छे दे सकते हैं और उसके आप रेमेडीज भी कर सकते हैं जब उनकी दशा नहीं चल रही है वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा और भी कुछ हाउसेज होते हैं जो हर राशि के लिए सेम नहीं होते, ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग होते हैं, तो वो भी आज जानेंगे। उनका नाम होता है बाधक हाउसेस। पहले जो हमने देखे वो क्या थे? मारक हाउसेस, दे आर डिफरेंट, दैट इज हाउस नंबर 2 एंड 7 फॉर ऑल द राशीज। बट आज जो हम बात करें वो अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग हैं और एक ही हाउस होता है हर राशि के लिए, लेकिन वो होता है बाधक हाउस। अब बाधक हाउस जो है ये आपके काम में बाधा उत्पन्न करता है, ये हेल्थ खराब नहीं करता, ये भी वैसा ही हाउस है, यानी कि ये फाइनेंस भी अच्छा देता है, शादी भी करवा सकता है, ये बाकी सब कुछ करवा सकता है आपके लिए, बाकी के उसके जो नॉर्मल रिजल्ट्स हैं एज पर राशि एंड नक्षत्र एंड प्लैनेट एंड हाउस एंड एवरीथिंग, वो सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन उसके साथ में एक कोई ना कोई बुरी चीज़ होती है जिसके वजह से वो आपके लाइफ में बाधा उत्पन्न करता है। तो आपके जो काम बनने थे वो लास्ट मिनट में कैंसिल हो जाते हैं और ये भी हर राशि के लिए अलग अलग होते हैं कि किस एरिया में ये बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए ध्यान से देखना ये वीडियो और अपने लिए कौन सा है बाधक ये भी समझना, कौन सा बाधक हाउस है, उसका लॉर्ड क्या होगा और क्या बाधा हो सकती है, ये आप यहाँ पर समझ लें। तो बाधक हाउसेस के लिए जो है राशियों को, 12 राशियों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें चर राशि का एक भाग बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे चर राशियों का, एक होगा स्थिर राशियों का और एक होगा द्विस्वभाव राशियों का, यानी कि डायनामिक साइंस, स्टैटिक साइंस एंड ड्यूअल साइंस। तो ये ग्रुपिंग्स होंगे और 12 राशियां हैं, 3 ग्रुप्स हैं, तो जाहिर सी बात है हर ग्रुप में 4-4 राशियां होंगी। तो चर राशि के लिए हम अलग समझेंगे, स्थिर राशि के लिए अलग समझेंगे और द्विस्वभाव राशियों के लिए अलग समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आएंगे चर राशियां। चर राशियों में आती है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये होती हैं चर राशियां या डायनेमिक साइंस, मूवेबल साइंस। तो ये जो हैं इनके 11वें स्थान से हम देखते हैं कि वो बाधक हाउस है। अब ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ ये लग्न राशि के आधार पर बात कर रहा हूँ एज ऑलवेज। तो यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि चर राशियों के लिए तो मैं आपके लग्न राशि की बात कर रहा हूँ। तो जब आपकी लग्न राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है तो आपके 11वें भाव में आपको देखना है वहाँ पे जो राशि है वो आपकी बाधक राशि है, बाधक साइन है, उस राशि का जो लॉर्ड है, ग्रह है, वो आपका बाधक प्लैनेट
है। और 11वें स्थान में जो भी ग्रह बैठे हैं वो भी आपके लिए बाधक साबित होंगे। अब 11वां जो घर है वो होता है फुलफिलमेंट का, विश फुलफिलमेंट का। किसी भी तरह की फुलफिलमेंट जो है वो 11वें भाव से होती है, यानी किसी भी काम का कंप्लीशन जो है वो 11वें भाव से होता है। चाहे आप शादी की बातचीत करें, एंड में जाके शादी होती है, कंप्लीशन होता है, तो वो होता है 11वां भाव। उसके अलावा फिर आप अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसका कंप्लीशन 11वां भाव। आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन का आप शुरू करते हैं, तो फाउंडेशन से लेकर ओपनिंग डे तक लोगों को पोजेशन देने वाले हैं, तो दैट इज कंप्लीशन। सो दैट इज सीन फ्रॉम 11th हाउस। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ की कंप्लीशन में आपको बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि आप कोर्स करने जाएंगे कोई अब्रॉड, फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट कोर्स खत्म होने आ जाएगा और लास्ट मिनट में सर्टिफिकेशन लिए बिना ही आप वहाँ से लौट आएंगे बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि घर में कोई बीमार है, आप बीमार हो, पैसे की किल्लत है, लॉकडाउन हो गया है, कुछ भी हो सकता है, बट यू विल रिटर्न एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर कोर्स। सेम इज विथ जॉब, कि जॉब में कोई काम कर रहे थे आप, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आपने 5 साल काम किया, आपको लगा ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करूंगा, मुझे क्रेडिट मिलेगा, इससे मुझे प्रमोशन, रेज, अप्रेजल सब कुछ मिलेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपने जो पूरे 5 साल लगाए, लास्ट के 6 महीने में आपको वहां से हटाकर किसी और को लाया जाता है और फिर वो प्रोजेक्ट कोई और कंप्लीट करता है और उसका क्रेडिट भी कोई और ले जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ अक्सर होती हैं। किसके साथ? मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न राशि वालों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। और जब ये बाधक राशि के प्लैनेट्स जब आते हैं आपकी दशाओं में, तभी ऐसी घटना घटती है। जब दशाएं नहीं हैं तब उस वक्त ये बाधक प्लैनेट्स आपको परेशान नहीं करते, ना ही बाधक राशि का स्वामी आपको परेशान करता है, ना ही बाधक राशि में बैठे हुए ग्रह आपको परेशान करते हैं। लेकिन अगर उनकी दशाएं आ गई तो दशाओं में ज़रूर कोई ना कोई काम ऐसा होता है जो आपकी फुलफिलमेंट में बीच में आएगा। अब मेष राशि के लिए जो है कुंभ राशि आपकी बाधक राशि बन जाती है, यानी कि शनि आपका बाधक बन जाता है। कर्क राशि के लिए अगर देखते हैं तो उसमें ऋषभ राशि आपकी बाधक बन जाती है, यानी कि शुक्र ग्रह आपका बाधक बन जाता है। अगर हम देखते हैं तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए सिंह राशि आपकी बाधक है और सूर्य आपका बाधक ग्रह हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए वृश्चिक राशि आपकी बाधक हो जाती है और मंगल ग्रह आपका बाधक ग्रह हो जाता है। तो ये जो है प्लैनेट्स जब भी दशाओं में आएंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जैसी भी, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। चर राशि के लिए, क्योंकि 11वां भाव आपका बाधकेश है, तो 11वां भाव जो है वो दोस्तों का भी होता है, नेटवर्किंग का भी होता है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप दोस्ती जो है आपकी वो बहुत सारे लोगों के साथ होगी, लेकिन हर फेज़ में आपके दोस्त बनेंगे, एक ग्रुप बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा लगेगा कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और फिर एक पॉइंट पर जाके इतने बड़े क्लैशेस और झगड़े हो जाएंगे कि उसके बाद आप एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, आप देखते हैं कि बहुत अच्छा वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स देने वाला है, लेकिन जब इन कैश करने की बारी आई तो पता चला कि लॉकडाउन हो गया और उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया है, या कुछ ना कुछ हो जाता है और वो इन्वेस्टमेंट की जो खुशी थी, जो उसका प्रॉफिट आपको मिलना था, वो आपको नहीं मिल पाया। तो ये भी होता है कई बार विथ चर राशि पीपल, क्योंकि आपका जो फुलफिलमेंट वाला हाउस है वो आपका बाधकेश होता है। शादी भी कई बार इन लोगों की टूटती है, बिकॉज शादी जब उनकी बातचीत शुरू होती है ऐसा लगता है कि एंगेजमेंट हो जाएगी, अब शादी हो जाएगी, लेकिन लास्ट मिनट में जाके मंगनी टूट जाती है। तो ऐसी चीज़ें चर राशि वालों के साथ होती है। उसके बाद हम आते हैं स्थिर राशियों पर, यानी कि स्टैटिक साइंस, यानी कि इमूवेबल साइंस। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ऋषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। अब ये जो राशियाँ होती हैं इनके लिए जो बाधक हाउस है वो होता है 9th हाउस। 9th हाउस का जो भी लॉर्ड है और 9th हाउस में जो भी ग्रह बैठे हैं वो आपके बाधक हैं। जब वो दशाओं में आएंगे तभी वो बाधा उत्पन्न करेंगे, अन्यथा वो उत्पन्न नहीं करेंगे बाधा। और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर है तभी बाधा आएगी, उसके अलावा बाकी सब कुछ अच्छा चलेगा बिकॉज ऑफ दैट प्लैनेट। जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के रूल्स है उसके हिसाब से बाकी सब अच्छा है तो अच्छा ही चलेगा। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो, कुछ केसेस में हमेशा हमेशा के लिए भी खराब हो सकता है, बिकॉज 4-5 रूल्स, सारे ही रूल्स में अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिव है। तो चलिए जानते हैं। अब ये जो राशियां हैं इमूवेबल साइंस, इनके लिए जो 9th हाउस है, 9th हाउस होता है पितृस्थान, 9th हाउस होता है आपकी हायर एजुकेशन, 9th हाउस होता है आपका धर्मस्थान भी, और 9th हाउस जो है वो विदेश में यात्रा भी देता है। तो ये जो बाधक ग्रह है आपका वो आपके इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको रोकेगा, यानी कि हायर एजुकेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, वो विदेश यात्राओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है, वो आपके पिता और आपके जो फैमिली है उसके साथ, जॉइंट फैमिली के साथ आपकी अनबन या बाधा वहाँ पर उत्पन्न कर सकता है, और उसके अलावा आपके जो धर्म है तो धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है, यानी कि आप पूजा करने की कोशिश करते हैं, अचानक कुछ हो जाता है, पूजा कैंसिल करनी पड़ जाती है, आप कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं वहाँ पे कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो मंदिर जाने से पहले कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें आपको बाधा उत्पन्न होती है। तो अभी ऋषभ लग्न है आपका, तो आपके लिए शनि जो है, मकर राशि और शनि ये आपके लिए बाधक होते हैं। सिंह राशि अगर आपकी है लग्न राशि,
तो आपके लिए मेष राशि और मंगल ग्रह आपके लिए बाधकेश होते हैं। आपकी अगर वृश्चिक लग्न राशि है तो आपके लिए चंद्रमा या कर्क राशि आपके लिए बाधकेश होते हैं। उसके बाद आपकी कुंभ राशि है अगर लग्न राशि, तो आपके लिए जो तुला राशि और शुक्र ग्रह है वो आपके लिए बाधकेश होते हैं। ठीक है, तो जब जब इन ग्रहों की दशा आपको आएगी तो आप देखेंगे कि आपके वो जो चार सब्जेक्ट मैंने बताए, हायर एजुकेशन, यात्राएं, धार्मिक कार्य और आपकी फैमिली इत्यादि इत्यादि, तो इन सारी चीज़ों में बाधा उत्पन्न होगी, क्लैशेस उत्पन्न होंगे और वो काम नहीं बन पाएंगे। यानी हायर एजुकेशन कर रहे थे, बीच में छोड़ दिया। मेरा क्लाइंट है जिसने MBA वो कर रहा था, MBA लास्ट ईयर में उसका ब्रेकअप हो गया, उसके वजह से वो डिप्रेस हो गया और फिर उसने MBA लास्ट ईयर में छोड़ दिया, जिसके वजह से उसका MBA अधूरा रह गया। उसके बाद इसमें कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो धार्मिक यात्रा करने के लिए जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, दूसरी बार गए तीसरी बार भी एक्सीडेंट हो गया। हर बार वो जहाँ भी यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। कभी चोरी हो जाती है, कभी वो कहीं जो है उनका टायर पंचर हो जाता है, कहीं गाड़ी बंद हो जाती है, कहीं आप जो है आपकी गाड़ी का कूलेंट खत्म हो जाता है, कभी आपके जो है गाड़ी से धुआं निकलने लगता है और पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है, कभी आपके गाड़ी के सामने कोई शराब पी के बीच में आ जाता है और आप उसको गलती से उड़ा देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ जो चार सब्जेक्ट मैंने बताए उस कॉन्टेक्स्ट में और उन दशाओं में जब बाधकेश की दशा चल रही हो या बाधक स्थान में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आते हैं द्विस्वभाव राशियों पर। द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये जो राशियाँ होती हैं इनके लिए सातवां घर, अपने से सातवां घर जो है, तो वहाँ पर जो राशि और उसका स्वामी जो है वो आपका बाधकेश होता है और वहाँ पे बैठे हुए जो ग्रह है वो भी आपके लिए बाधकेश होते हैं, वो भी आपका जो है काम खराब कर सकते हैं। सातवां घर जो है वो शादी का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का होता है और किसी भी तरह का रिटेल ऑन द काउंटर बिजनेस जो होता है उन सारों को रिप्रेजेंट करता है सेवंथ हाउस। ओके, तो जब आपकी बाधकेश की दशा चलती है तो आपके ये सारे जो बिजनेसेस हैं, अगर रिटेल बिजनेस है आपका, तो आप देखेंगे कि वो बिजनेस में बाधा आनी शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, कोई लोकल पॉलिटिशियन, गुंडा, वहाँ का कोई आसपास का जो दूसरा शॉप ओनर है, कॉम्पिटिटर है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके रूल बदल जाते हैं तो वो अचानक आके आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, या आपके कुछ लीगैलिटीज़ होते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाते हैं, या पुलिस आके हफ्ता मांगना शुरू कर देती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके रिटेल अगर बिजनेस है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आते हैं जब आपकी ड्यूअल साइन होती है तब, और शादी जो है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, शादी फिक्स होने में प्रॉब्लम आती है, शादी होने के बाद भी आपके वैवाहिक सुख में थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए बिल्कुल वर्जित है, बिकॉज बिजनेस पार्टनरशिप आप करेंगे तो बिजनेस आपका ठप हो जाएगा, उसमें बाधा आनी शुरू हो जाएगी। वैसे बिजनेस पार्टनरशिप होनी भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली थी, कोलैबोरेशन होने वाला था और अचानक से कुछ हो गया और बिजनेस कोलैबोरेशन रद्द हो गया, कैंसल हो गया। तो मिथुन लग्न राशि वालों के लिए धनु राशि और गुरु ग्रह आपका बाधकेश होता है, और अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके लिए मीन राशि और गुरु ग्रह बाधक ग्रह होते हैं। अगर आपकी धनु राशि है तो आपके लिए मिथुन राशि और बुध ग्रह आपके लिए बाधकेश हो जाता है, और अगर आपकी मीन राशि है तो आपके लिए बुध ग्रह और कन्या राशि आपकी बाधकेश बन जाती है। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी ड्यूअल साइंस है वो सारी गुरु की और बुध ग्रह की ही हैं, और वो परस्पर एक दूसरे से हमेशा विरोधी होते हैं और वैसे भी वो एक दूसरे के शत्रु ग्रह होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। और एक इसमें डबल प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि ये सातवां घर है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो राशियाँ हैं यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनके लिए जो सातवां घर, वहाँ पर बैठे हुए ग्रह और उस घर का स्वामी, ये सारे के सारे आपके लिए मार्गकेश भी हैं और बाधकेश भी हैं, क्योंकि सातवां घर जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया वो मार्गकेश होता है। तो ये मार्गकेश बाधकेश दोनों हैं, तो दोनों आपको जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वो आपको बाधा तो उत्पन्न करेंगे ही रिलेटेड टू दैट हाउस, यानी कि बिजनेस पार्टनरशिप, रिटेल बिजनेस एंड मैरिज, तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे कब, सिर्फ दशाओं में आएंगे, सिर्फ दशाओं में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बाकी एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के हिसाब से वो अच्छे हैं तो बाकी चीज़ों में वो फायदा दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उपायों की। तो उपायों में सबसे पहला तो सवाल होता है लोगों के, जेमस्टोन बाधकेश के पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए। तो इसमें सिंपल आंसर ये है, पहला ये चेक करो कि वो जो ग्रह है वो आपके जो गोल्स हैं उनके लिए वो ग्रह अच्छा है या नहीं है, ओवरऑल कुंडली में कैसा प्लेस्ड है, ये आपको देखना चाहिए। अगर वो अच्छा प्लेस्ड है और आपके गोल से अलाइंड है तो उसकी अंगूठी, उसका नग आप ज़रूर पहन सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी जब दशाएं आएंगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तब आपको वो जेमस्टोन्स जो है वो उतार के रख देनी चाहिए,
जब वो दशा खत्म हो जाएगी तो फिर से आप उस जेमस्टोन को पहन सकते हैं। तो ये एक परहेज आपको याद रखना है कि बाधकेश के जेमस्टोन्स भी पहन सकते हैं लेकिन उनकी दशाओं में नहीं पहनते, क्योंकि जब दशा नहीं चलती है उस वक्त उनके जेमस्टोन पहनोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा एज पर अदर रूल्स। अगर वो अच्छे हैं तो, अगर वो नॉर्मली ही खराब है तो फिर तो कैसे भी करके वो जेमस्टोन आप नहीं पहन सकते, लेकिन अगर बाकी चीज़ों में अच्छे हैं सिर्फ वो बाधकेश है तो फिर आप पहन सकते हैं लेकिन दशाओं में उतार के रख देना है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो ये एक पहली चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप रेमेडी चाहते हैं तो एक बेस्ट रेमेडी ये भी है कि जो बाधकेश के जो दशाएं हैं उसमें आप वो काम करना अवॉइड करें जो मैंने आपको अभी गिनाए। यानी कि जैसे अगर एक प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है जो छोटी सी है, तो उस वक्त आप अगर शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए आप शादी की जो बात है वो करना बंद कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए अपना जो मैरिज सर्च है वो थोड़ा सा यू कैन पुट इट ऑफ टिल से 2-3 months, 6 months, उसके बाद वापस शुरू कर सकते हैं जब वो बाधकेश की दशा चली जाती है। जैसा कि मैंने कुछ लोगों को बताया यात्रा करने के बारे में, तो आप यात्रा तो पोस्टपोन कर ही सकते हैं, और सेम इज़ विथ फुलफिलमेंट वाली जो बात थी या अपने दोस्तों के बारे में जो बात थी, तो आप ये समझिए कि जब वो दशाएं चल रही है तो ज़रा दोस्तों के साथ आप जो है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और सबमिसिव रहो, जो वो बोले उसको हाँ बोल दो, ज़्यादा उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश मत करो। तो ये तो आप कर ही सकते हो, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह अगर आप दे सकते हो दोस्तों को तो ये भी आप कर सकते हो। बेटर इसकी बाधकेश की जो टाइम पीरियड है, दशा है, उसके वक्त आप उससे कनेक्टेड जो हाउसेज है और हाउसेज के जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी एक्टिविटीज़ आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो वही ज़्यादा बेटर रहता है। दैट इज़ सेकेंड रेमेडी। और अब आती है थर्ड रेमेडी। थर्ड रेमेडी जो है वो हर जो ग्रुप है उसके लिए अलग अलग होगी, यानी कि चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, सबके लिए अलग अलग रेमेडीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जो चर राशि वाले हैं यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले जो लोग हैं, लग्न राशि वाले जो लोग हैं, उनके लिए उपाय ये होगा कि जब आपकी बाधकेश की दशा चलेगी तो अराउंड दैट टाइम, जस्ट बिफोर दैट दशा बिगिंस और जस्ट आफ्टर दैट दशा बिगिंस, आपको अपने पिताजी को कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देना है। आपके जो पिताजी हैं उनको जो भी उनकी फेवरेट चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, उनको आप जो है शर्ट खरीद के दे सकते हो, आप उनको कोई घड़ी खरीद के दे सकते हो, आप उनको उनके मनपसंद की कोई खाने की चीज़ खिला सकते हो, लेकिन जितना हो सके गिव सच थिंग्स जो आगे भी यूज़ होती हैं, काफ़ी महीने काफ़ी साल चलेंगी, तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पर देनी चाहिए। अगर महादशा में ही आ गया बाधकेश सपोज, और महादशा ही आपकी 19 साल जो 17 साल ऐसा कुछ है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर साल आपको जो है उनके बर्थडे के दिन, अपने पिताजी के बर्थडे के दिन, और जो भी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, और फिर जो आपका फादर्स डे वगैरह होता है, तो सारे दिनों पे आपको उनको कोई ना कोई गिफ्ट देना ही देना है। तो ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि आप अपने पिताजी को कोई ना कोई गिफ्ट दें, कॉम्प्लीमेंट दें, और हमेशा उनके साथ अच्छे रिश्ते रखें। अगर आप ये रखते हैं तो आपके जो बाधकेश के बुरे प्रभाव हैं वो नलीफाई होने में आपको मदद मिलती है। उसके बाद आते हैं स्थिर राशियों पर। स्थिर राशि का मतलब है आपकी अगर लग्न राशि ऋषभ है, सिंह है, वृश्चिक है या कुंभ राशि है, तो आप लोगों को जो है अपने घर के पास कोई भी एक मंदिर पकड़ लो और उस मंदिर में आपको मिठाई का चढ़ावा या फूल का चढ़ावा या हार इत्यादि आपको अर्पण करते रहना है। जब तक वो बाधकेश की दशा है तब तक आपको अपने घर के पास में कोई भी टेम्पल जो है वहाँ पर ये आपको चढ़ावा चढ़ाना है। हार देते रहो या फिर वहाँ पे जो है मिठाई देते रहो, या अगर भगवान को जो पहनाते हैं कपड़े तो वो कपड़े आप उनको दे सकते हो, जो भगवान के कपड़े होते हैं तो वो भी आप वहाँ पे दे सकते हो। तो ये रेमेडी आपको करनी है जब आपके बाधक की दशा चल रही है, तब उसके बाद आप उसको रोक सकते हो। उसके बाद आते हैं मिश्र राशियों पे, यानी कि ड्यूअल साइंस पे, द्वि स्वभाव राशियों पे, यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि या मीन राशि अगर आपकी लग्न राशि है, तो आपके लिए उपाय एक तो ये है कि जोरू का गुलाम बन के रहो, यानी कि अपनी बीवी या अपने पति की सुनो, जो भी वो बोले थोड़ा ज़्यादा उनकी ही सुनो, उनके साथ जो है आर्ग्यूमेंट लड़ाई मत ही करो, जो वो बोल रहे हैं कर दो और बात खत्म करो, रफा दफा करो, बिकॉज वहाँ पे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दूसरा जो है आप कर सकते हैं वो ये है कि आपके ऑफिस में जो आपके कोलीग्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो उन सभी को ट्रीट देते रहो, यानी उन सबको चॉकलेट बांटो, उन सबको चाय बांटो, कॉफ़ी बांटो, उनको कोई ना कोई इस तरह के जेस्चर्स जो है आप ऑफिस में करते रहो। अपने स्टाफ को, अगर आपका बिजनेस है तो आपका जो भी स्टाफ है, लेबर्स हैं, तो उन सबको आप कोई ना कोई चीज़ देते रहो, कुछ ना कुछ खाना, चाय, पानी, कॉफ़ी, कुछ ना कुछ उनको खिलाते रहो। अगर उनको कोई मदद की ज़रूरत है थोड़ी, उनकी मदद कर दो, उनसे अच्छी बातें करो, उनसे अच्छे रिश्ते रखो, एंड कीप गिविंग देम समथिंग सो दैट यू हैव नो प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर बाधकेश। तो ये है रेमेडीज़ फॉर ऑल द राशीज़ फॉर योर बाधकेश। आई होप ये सारे रेमेडीज आप करेंगे, बहुत ही सिंपल है,
कोई भी कर सकता है, इसमें कोई खास मुश्किल बात तो है नहीं। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो यह है कि जो चरण राशि वाले हैं, मैंने आपको कहा कि पिताजी को आप जो है गिफ्ट वगैरह करो। सपोज आपके पिताजी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पिताजी नहीं है तो माताजी को गिफ्ट करो, माताजी को आप कोई ना कोई गिफ्ट करते रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये याद रखो कि पिताजी अगर नहीं है तो ही आपको अपने माताजी को गिफ्ट देने हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे रेमेडी के तौर पे यही रहेगा कि आप अपने पिताजी को ही दो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू वर्क। अगर वो नहीं है, गुजर चुके हैं, तो फिर अपने माताजी को गिफ्ट दो। द सेम रूल्स जो मैंने पहले बोले उसी हिसाब से, ओके। सो ये सिंपल रेमेडीज है, करो और बाधक केश से बचो। बाधक केश की जो दशाएं हैं उसमें इंपॉर्टेंट काम मत करो, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया उससे रिलेटेड तो डेफिनेटली मत करो। और जैसे मैंने जेमस्टोन और रेमेडी की बात की तो दशाओं को अवॉइड करके थोड़ा सा कैलकुलेट करके जेमस्टोन्स पहनो या मत पहनो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये थे बाधकेश और इनके उपाय और इनके लक्षण और बहुत कुछ। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, याद रखिए कि आपका बाधकेश कौन है, और अपने काम प्लान करते वक्त, इंपॉर्टेंट काम प्लान करते वक्त हमेशा ध्यान रखो कि आप बाधकेश की दशाओं को अवॉइड करोगे। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट टू जॉइन माय चैनल, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप iOS डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, आईफोन और आईपैड से मुझे आप देख रहे हैं, तो फिर आपको जो है ब्राउजर में जाके मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज iOS के यूट्यूब ऐप पे अभी तक ज्वाइन और मेंबरशिप टैब्स नज़र नहीं आ रहे। तो दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय यूट्यूब। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, गो थ्रू द ब्राउजर एंड कीप फॉलोइंग मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। हर वीकेंड पे हमारा जो है लाइव सेशन होता है, तो इसी चैनल पे मैं लाइव करता हूँ, जिसमें फ्री क्यू एंड ए होता है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो उसके मैं फ्री आपको जवाब देता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे फॉलो करते रहें ताकि आपको पता चले कि कब मैं लाइव आ रहा हूँ। एंड ऑफकोर्स सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, ये सारी चीज़ें आप मुझे भेज सकते हैं। मच अप्रिशिएट योर सपोर्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।